आशीर्वाद अपना जिस तरह दे रहे हैं, दोनों जगह ट्रेंडिंग में है, तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और आपका भाई आपके लिए बेहतर कुछ करता रहेगा। बाकी चीजें ठीक है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। आज एक वीडियो देखा मैं, वायरल वीडियो कुछ था, जो कि एक ब्राह्मण कुल के इंसान को कान पकड़ के ऊंट बैठक करा रहा है कोई, वो चीजें ठीक नहीं लगी। क्योंकि ब्राह्मण कुल मुझे ऐसा लगता है कि पूजनीय है, और हम ही नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल को मानता है, और सदियों से हमारे बाप दादा और सबके बाप दादा पूजते हुए हैं, और उसको काम पकड़ के ऊंट बैठक कराना, ये मुझे नहीं लगता कि अब ब्राह्मणों का यही सम्मान रह गया हमारे हिंदुस्तान में, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ठीक है, जो मेरे बारे में बोलेगा उसको ऐसे किया जाएगा, गुड, अच्छी बात है। हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हमें कलाकारी ही करना चाहिए। अगर दबंगई पे आदमी आ जाए तो ठीक है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब क्या शब्द बोलूं मैं, कि कलाकार को कलाकारी ही करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ठीक है, मुझे मैं बोलूंगा तो शायद विवाद हो जाता है, मैं सच्चाई ही बोलता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं विवाद करता हूँ, कि लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी पूरी खानदान सम्मान करती है हमारा, और पूरी भोजपुरी समाज ही नहीं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान ब्राह्मण कुल का सम्मान करता है, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा जाति है जो कि हमें ज्ञान के तरफ हमेशा, चाहे वो, और भगवान से बड़े जुड़े हुए हर वो ब्राह्मण रहता है जो भगवान के बनाए हुए रास्तों को हमें बताता है, और उस आदमी को कान पकड़ के ऊंट बैठक कराना, ये सही नहीं लगा। बाकी चीजें ठीक है, आप दबंगे करें, चाकू लेकर किसी के सर पे रखकर और जबरदस्ती बुलवाना कि बोल सलमान खान कौन है, ये दुनिया बनाती है किसी को, सलमान खान या ऋतिक रोशन या खेसारी लाल या दुनिया कोई भी, ये संसार बनाता है। हमें किसी को जबरदस्ती एक आदमी के बुलवा लेने से कोई सलमान खान नहीं हो जाता, कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जाता, तो जिंदगी है, कोई बात नहीं। हम बोलना नहीं चाहते थे और हम दो दिन से कुछ बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि तबीयत भी खराब था, बट मुझे लगा जे अब तो ठीक नहीं लग रहा है कि एक ब्राह्मण कुल जो कि कहीं ना कहीं हर वक्त पूजनीय है, एक छोटे ब्राह्मण के कुल के बच्चा अगर भी होता है ना, तो हमारे पापा पैर छूते हैं, हम छूते हैं, हर आदमी छूता है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक कौम के तरफ से और एक विशेष आदमी के तरफ से, विशेष